हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मनी व्यू लोन्स रिव्यू। यहां पे आप देख सकते हैं पर्सनल लोन मैंने 15,000 का लोन अप्रूव हुआ है, ठीक है। और जो मेरा अभी नेक्स्ट ड्यू है 5th मार्च 2020, तो ये पर्सनल लोन ऐप है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। इसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और थोड़े क्रेडिट स्कोर, डेबिट चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोन डिटेल्स, लोन ओवरव्यू, 15,000 का मनी ट्रांसफ़र टू बैंक 18 अक्टूबर पे ट्रांसफ़र हो चुका है। जो मैंने लोन अप्लाई किया था मेरे बैंक पर ट्रांसफ़र हो चुका है 15,000। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर मंथ मैंने ईएमआई कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी जो रिमेनिंग 2 मंथ ईएमआई पेंडिंग है, ये जो है मार्च में 2022 और अप्रैल पर 2 ईएमआई बैलेंस है, ठीक है। मैंने 4 ईएमआई कंप्लीट कर चुका हूँ। ये ऑटो डेबिट बैंक के थ्रू ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और एक ऑप्शन भी है, देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, देखिए मैंने 250, 100, 100 कितना जो भी अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, जैसे वो ऑटो डेबिट 5th होगा। बट हम 10 डेज बिफोर ऐप के थ्रू 25th को ओपन होगा, 25th डेट पे ऐप में आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं कितना भी, 100, 200 जो भी आपका ईएमआई ड्यू है, तब तक रिमेनिंग पेमेंट पूरा कंप्लीट होते ही आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 250, 100, 100, 400, 180, देखिए जितना भी है उससे हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर चुका हूँ। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2769 लास्ट में मैंने एक ही पेमेंट भी कर चुका हूँ 2 times, ठीक है। तो इससे हमको ये डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस है, ऑटो डेबिट भी हो जाएगा, उससे पहले भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 months का कंटिन्यू मिस नहीं हुआ, कंप्लीट से पेमेंट करने के बाद मुझे टॉपअप लोन अप्रूव हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट टॉपअप प्लान, ये वो लोन इंस्टेंट मनी, देखिए हमें सेलेक्ट प्लान है ये, मैंने कंटिन्यू 4 dues विदाउट लेट पेमेंट कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मुझे आज ही मैसेज आया है, देखिए यहाँ पे यू आर एलिजिबल रिपेड, देखिए यहाँ पे मुझे 30,000 का न्यू लोन अमाउंट आया है टॉपअप लोन। तो 12 months का मंथली ईएमआई है 2,984, टोटल इंटरेस्ट 5,807 और मनी व्यू विल चार्ज फीस ऑफ 1907, ओके। तो ये जो है 12 months वाला है। सपोज यहाँ पे अभी देखिए 30,000 एलिजिबल है, ठीक है। दो महीने प्रीवियस जो बैलेंस अभी 2 dues है उसको भी वो डिडक्ट करके 5,128 रिमेनिंग बैलेंस देगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम चेंज कर लेंगे तो 20,000 पे भी न्यू लोन को मैं 20,000 पे कर ले सकता, 20,000 भी कर सकता हूँ। तो इसमें 9 months और 12 months दोनों ऑप्शन आएंगे, 12 months का 1989, ठीक है, और 9 months का 2549। तो डिटेल्स आपको यहीं पर भी दिखाएगा, इंटरेस्ट और उसका जो भी चार्जेस है टोटल दिखाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 25,000 के लिए मैं चेंज कर चुका हूँ, तो 25,000 का न्यू लोन अमाउंट है, उसका जो 9 months EMI 12 months EMI यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने 30,000 है तो उसका जो 12 months वाला है 2,984। तो रेगुलरली पेमेंट करने से ये टॉप अप प्लान भी एक्टिव हो जाएगा। ये मनी व्यू लोन्स में मैंने 4 months वो अभी लेके इसमें कुछ भी अब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आए हैं। मैंने जो भी पेमेंट करता हूँ वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम अभी तक इश्यू नहीं आया है मनी व्यू लोन्स
इजी रीपेमेंट ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। तो आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।